मैं जापान स्टारबक्स में आ गया हूँ। यह स्टारबक्स कंसाई एयरपोर्ट पे जापानी हॉस्पिटैलिटी। दिस वन, दिस इज माय टॉल। ओके ओके, ये स्टारबक्स ओसाका एयरपोर्ट पे है। थैंक यू, वेरी नाइस। एटीएम से पैसे निकालते हैं। कार्ड एक्सेप्ट नहीं करा। कहीं पर आप चलते हैं 7-11 के अंदर, देखते हैं लाइन करता है पूरा। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पर। अचानक धूप आ गई और यहाँ की धूप बहुत अच्छी है। तो अभी सिग्नल हुआ और लोग क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी बड़ी साइलेंट है यहाँ पर। बैठ गए इसमें, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है। तो फाइनली हम आ गए होटल के अंदर। तो ये है रूम, बहुत ही शानदार है। केटल है, हेयर ड्रायर है। यहाँ से व्यू बड़ा शानदार है, एकदम क्वाइट है, बहुत ही शानदार है। टेलीफोन पुराने स्टाइल का, बाथटब दिया है। ये जापानीज टॉयलेट है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे इस वीडियो में देखेंगे जापान की ट्रिप। मैं अभी एक महीने के लिए जापान घूमने जा रहा हूँ। लगभग हर सिटी और प्रोविंस जाऊँगा, तो चलिए देखते हैं। और छिपी फ्लाइट, ये रहा प्लेन। वाओ, एकदम साफ सुथरा चिकना। जापान की ये बात सबको पसंद है। अब चलते हैं, चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। सीट्स कितनी बढ़िया है, येलो ग्रीन, अच्छे अच्छे कलर्स हैं। हर चीज़ निराली है। स्लेटर भी बड़ी स्मूथ लगी इसी। जापान में घुसते से मैंने ये नोट करा, कहीं पर भी धूल धक्कड़ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इवन आप रनवे पर भी देखोगे तो एकदम साफ है। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जापान स्टारबक्स में आ गया हूँ और अभी चाय यहाँ से लो। स्टारबक्स, ये है स्टारबक्स कंसाई एयरपोर्ट पे जापानीज हॉस्पिटैलिटी। ये स्टारबक्स ओसाका एयरपोर्ट पे है। तो 535 येन की आई चाय और इन्होंने फिर ऐसा दिया। जापान का ओसाका एयरपोर्ट, चाय बन रही है स्टारबक्स पे। फैमिली बहुत अच्छी लगी मुझे, अच्छे से स्टाफ बहुत अच्छे से बात करते हैं यहाँ पे। दिस वन, दिस इज माय टॉल। ओके ओके, शुगर आई टेक फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। चलिए शक्कर कर लेते हैं। फाइनली हम पहुंच गए स्टारबक्स का नीचे वाला अराइवल्स, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्लास नहीं था। उन्होंने बोला कि ऊपर जाके आप आ सकते हो, तो ऊपर जाके लेकर आए। ये है नज़ारा। सो आई एम गोना बाय 33 डेज अनलिमिटेड सिम कार्ड। सो नंबर 10 स्टारबक्स पे चाय ले ली, बढ़िया टॉल वाली। आप चलते हैं ओसाका सिटी सेंटर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी आ गया हूँ ओसाका एयरपोर्ट के बाहर और चलते हैं ट्रेन स्टेशन। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, बहुत ही साफ सुथरा है जापान और डिसिप्लिन। ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, एकदम डिसिप्लिन इतना फॉलो करते हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह जाने में। अभी हम एंटर कर रहे हैं टर्मिनल 2 का, जो लिमिटेड एक्सप्रेस है उसके स्टेशन पे। ये यहाँ का माहौल है। सितंबर 2023, लेट्स ट्राई एटीएम हियर।
इंग्लिश ड्रॉ एंटर प्लीज एंटर ₩20,000 ₩10,220 Okay. So this is ₩20,000 accessory to 20. एटीएम से निकाली 20,000 yen ऐसे दिखते हैं। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट लेते हैं इसकी। तो टिकट ले ली है, ये काउंटर था। सुपर सीट ली है, इसमें होती है एक रेगुलर सीट और एक होती है सुपर सीट। तो मैंने सुपर सीट ली है, ज़्यादा अच्छी वाली होती है, ज़्यादा वाइड। सो कुछ कैसी दिखती है ये, 45 मिनट लेती है सामने वाली जो ट्रेन आपको दिख रही है। मैंने इसकी टिकट नहीं ली है, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत है नानकाई एक्सप्रेस, उसकी टिकट ली है। ये है अपनी ट्रेन, अभी आ गई है ये। तो अभी ये ट्रेन आई और इसके बाद इसमें सफाई होती है। चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं सुपर सीट। और ये देखिए कुछ चौड़ी सीटें हैं इसमें। कैसा लगा? ऐसे इसमें पैसेंजर बहुत कम है, इसकी टिकट ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए इसमें कम लोग आते हैं। और अच्छा लगे मैं इसमें ऊपर, सामान स्टोरेज के लिए। उधर से जो ट्रेन जा रही है वो भी जाती है, वो 45 मिनट लेती है, उसकी टिकट सबसे सस्ती है। और इसमें सबसे महंगी टिकट इस क्लास की है, सुपर सीट बोलते हैं इसको। इसमें केबिन में देखिए यहाँ पे अपना लगेज रखने के लिए देते हैं, इन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं, लॉक कर सकते हैं। तो ये है इसकी चौड़ी चौड़ी सीटें, अच्छा ढेर सारा लेग रूम और केबिन स्पेस। और तो ये है कोच नंबर 5 और 6, ये है सुपर सीट। और बस तो उधर भी चलेगी ट्रेन, ऐसा है नज़ारा। साफ है जापान में, नेक्स्ट टू हमेशा।
अभी आप मेरा दौड़ा ही है। ट्रेन की राइड बड़ी स्मूथ है, पता नहीं चलता कब चल रही। मैं बाथरूम गया था वीडियो बनाने ऑडियंस को दिखाने के लिए, तो ट्रेन चल पड़ी लेकिन मुझे पता नहीं चला ट्रेन चली। बाद में थोड़ा ही नज़र से लाइट बदली। आई होप यू आर एंजॉइंग जापान। व्हील बहुत मज़ा आ रहा है। ये सीट रिक्लाइनिंग है, आराम से बैठ जाओ। और जो हमारा 1+2 है, नॉर्मल मेरे घर में 2+2 होती है, इसमें ज़्यादा लेग रूम है। तो स्टेशन आए और फिर स्टॉप की तरफ चली गई ट्रेन। बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। हम ओसाका के नामा स्टेशन आ गए और अब चलते हैं एग्जिट की तरफ। ओसाका का नामा स्टेशन और आ गए यहाँ पे। ये हमारी ट्रेन एक्सप्रेस सुपर फास्ट है और ये रात 7-11। सबसे पहले 7-11 चल के देखते हैं। तो अब चलते हैं 7-11 के अंदर। 7-11 के अंदर आ गए और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे एक बार देखते हैं। चिकन एग वेजिटेबल चावल का ये चलिए और देखते हैं अंदर क्या है। और ये तो कुछ आइटम है, पहले पूरा का देखते हैं। खूबसूरत सी रसीद निकल आई। जापानीज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैंने फ़िलहाल ये लिया है चिकन एग वेजिटेबल चिली सॉस 421 सेन का आया और 421 सेन लगभग 250-300 रुपये। चलिए एक टेस्ट करके देखते हैं। मैंने एक ही लिया। तो अब हम चिकन का एग्जिट कर गए चलते हैं होटल की तरफ। उसके लिए दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी और देखते हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया हॉल है यहाँ पे, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत ही चकाचक है। ऐसे एकदम साफ सुथरी जगह, जैसे मैंने यूरोप की कई कंट्रीज विजिट करी वहाँ पे भी शायद इतनी साफ़ सफाई नहीं देखी होगी जितनी मैंने जापान में देखी। यूरोप में सफाई बहुत है लेकिन डेफिनेटली जापान इज़ रियली। स्टेशन के बाहर आया और ये दूसरा 7-11 है। एक बार नज़र मार रहा हूँ यहाँ पे। सैंडविच तो जो मैंने लिया था ये वही वाला है, ये वाला लिया था मैंने ट्रायल के लिए। बाकी आइटम देखते हैं, सुशी वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। सैंडविच देखता हूँ फिलहाल, बड़ा सा चिकन सैंडविच रखे हैं। पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे, बाद में देखेंगे। अभी हम 7-11 के बाहर हैं और अब चलते हैं होटल की तरफ। ये दूसरा 7-11 है। स्टेशन बहुत साफ़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टेशन पे। सब जगह इतनी सफाई देख के मज़ा आ गया। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। उन्हें पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो मेट्रो है वो नीचे से जाएगी। तो मैं अब नीचे जा रही है। सब मिट्सू लाइन करता है पूरा, बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे। मुझे मिट्सू जी लाइन लेनी है और यहाँ पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। आ गए हम स्टेशन के बाहर और कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और जो ऊपर सिनेमा है इसमें टोहो सिनेमास, ये है ओसाका का नामा स्टेशन। वेलकम टू ओसाका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। अभी हम चलेंगे आगे हमारे
होटल जाने के लिए आगे से लाइन मिलेगी। और ऐसे ही एक बार आपको नज़ारा दिखा दूँ अच्छे से, ये है स्ट्रीट्स ऑफ ओसाका जापान। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी यहाँ पे पॉल्यूशन वॉल्यूशन तो कुछ दिख ही नहीं रहा और गाड़ियाँ चल रही हैं, देखिए आवाज़ ही नहीं आ रही, एकदम सुपर साइलेंट, ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ियाँ चल रही हैं। अब चलते हैं मित्सुजी लाइन की तरफ। अचानक धूप आ गई और यहाँ की धूप बहुत अच्छी है और इतनी शांति से सब चल रहा है। हॉन्किंग तो सुनाई देती ही नहीं है ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा वातावरण। मम्मी को बहुत पसंद आया ये, और ये है शानदार नज़ारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई किसी की आवाज़ नहीं आई है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ अभी कई गाड़ियाँ गई और लोग भी चल रहे हैं। पॉल्यूशन कुछ दिखाई ऐसा लग ही नहीं रहा पॉल्यूशन क्या होता है, धूल धक्कड़ धुआं। और उधर भी लोग बड़े पीसफुली जा रहे हैं, चल रहे हैं सिग्नल पे, डिसिप्लिन बहुत फॉलो करते हैं लोग। अब ये जब अपन उतर रहे थे तो एकदम सब लोग राइट पे खड़े रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन जापान फेमस है उसके लिए। अभी ये क्या चीज़ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा देखकर। आगे की दिखा रहे हैं, आगे से रेड लाइन है तो मैं वहाँ तक चल रहा हूँ पैदल। और वहाँ अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइए रहा है जापान के बारे में। कॉस्ट स्टोर दिखा 7-11 जैसा, तो एक नज़र मारने आ गया। मैं पहले क्या करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ एक बार सब जगह नज़र मारता हूँ, उसके बाद देखा थोड़ा सा और आगे आए तो अभी सिग्नल हुआ और लोग क्रॉस कर रहे हैं। आप भी एक चीज़ देखिए, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी बड़ी साइलेंट है यहाँ पे। और मुझे मेरा स्टेशन मिल गया, यहाँ से ही मुझे मेट्रो मिलेगी, तो चलते हैं। तो मैं आ गया मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ मैं अभी मैं आ गया मित्सुजी स्टेशन। टिकट सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने ले लिया, अब वेट करते हैं आने का। आ गई हमारी मेट्रो, जापान में बड़ा डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, बराबर लोग साइड में खड़े हो जाते हैं, धक्कम धुक्की नहीं करते। तो अब हम घुसेंगे मेट्रो में, ये खुल गए गेट इसके, लोग निकले, हम चलते हैं अंदर। वाओ बहुत बढ़िया है मेट्रो, ओसाका बैठ गया इसमें, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है, एकदम कुशन बढ़िया, आराम से वेलवेट और बहुत अच्छा है इसका वेलवेट है, वेलवेट बहुत अच्छा है इसका मटेरियल। और बस चल पड़ी, तो हमारा मेट्रो का स्टॉप आ गया, अब हम चलेंगे होटल की तरफ। तो अब हम आ गए स्टेशन के बाहर, हम चलते होटल की तरफ। कार पार्किंग, सब कारें प्रॉपरली मार्क एरिया में खड़ी हैं। पास में थोड़ा सा आगे चल के होटल दिखा रहा है, वहीं चल के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरी, जापान में हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी होती है जैसा कि अपन ने देखा था वाकई में। इसके दिन बहुत बढ़िया है, बारिश वारिश नहीं हुई और जिसका मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अच्छा है। सड़कें एक बार देखी थी, कितनी बढ़िया साफ सुथरी, एकदम फ्लैट लेवल की हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी देखी थी मैंने, और जापान तो खैर अपना यूनिक उसका स्टाइल। तो ये है होटल, मैंने अभी ऑनलाइन देखा था, फ़िलहाल बुक नहीं करा। तो फाइनली हम आ गए होटल के अंदर,
अभी चेक इन टाइम यहाँ पे 3 बजे से है, तो 3 बजे के बाद कमरा देंगे, तो ठीक है तब यहीं वेट कर लेते हैं। लिफ्ट चल रही है, वो बहुत ही साइलेंट चलती है, पता ही नहीं चलता लिफ्ट चल रही है। तो ये है ना कमरा, तो ये है रूम, बहुत ही शानदार है। क्या क्या दे रखा है इसमें, केटल है और हेयर ड्रायर है। क्या स्टाइल है, अरे वाह, अच्छा, कम ज़्यादा करने के लिए हेयर ड्रायर, केटल, टीवी और इनका जो ये बैठने का, अच्छा ये यहाँ से व्यू बड़ा शानदार है होटल के कमरे से, एकदम क्वाइट है, बहुत ही शानदार है। कमरे में घुसते से बहुत अच्छा वो लग रहा है, ये टेलीफोन पुराने स्टाइल का, एयर कंडीशनर यहाँ पे कर देता हूँ, और ये चेयर है, यहाँ के सबसे बहुत अच्छा है, बेस्ट वेस्टर्न। ये क्या है, हीटर, हैंगर, बढ़िया इंतजाम है इनका, साफ़ सुथरे तो खेल रहते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इन्होंने बाथटब दिया है, ये है बाथरूम, बाथरूम में भी आपको पता होगा जैपनीज बाथरूम अलग स्टाइल का होता है, इसमें ये जैपनीज टॉयलेट है। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये दबाया, अच्छा ये स्टॉप, सीट टेम्परेचर, स्ट्रेंथ, नीचे से, और ये बाथटब है, ओह वाकई में बहुत शानदार है बाथटब, छोटे सी जगह में बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, क्या क्या दे रखा है ये, और ये शावर, ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया है, इतनी इतना बढ़िया जगह का यूटिलाइजेशन किया है इन्होंने कि मज़ा आ गया था, इतनी कम जगह में इतना बड़ा रूम बना दिया। और चलिए।